प्रदेश वन निगम उपाध्यक्ष सूरत नेगी ने काफनू में निर्माणाधीन विष्णु दुर्गा मंदिर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि विष्णु दुर्गा मंदिर काफनू के निर्माण के लिए सरकार की ओर से हर संभव सहायता आर्थिक प्रदान करने का प्रयास करवाएंगे। इसके अलावा विष्णु दुर्गा मंदिर में आधुनिक कम्युनिटी हॉल का निर्माण करवाएंगे। वे इन दिनों भाजपा द्वारा मिशन रिपीट के लिए प्रदेश भर में चलाए गए महाजन संपर्क अभियान के तहत भावा वैली के काफनू, यांगपा, क्राबा, खुरी और सहित अन्य गांवों के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाया। जनसभाओं को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के हिमाचल प्रदेश का जो महासंपर्क अभियान है और जिसको हम पद यात्रा भी कहते हैं, उस कार्यक्रम के अंतर्गत हम सभी लोग पिछले 5 दिनों से जिला किन्नौर का जो पद यात्रा है निचार ब्लॉक से शुरू किया है और रूपी 15वीं शोण करने के बाद आज भावा वैली का प्रवास है। इस पदयात्रा का एक ही उद्देश्य है कि जहां पिछले 4 साल हमारी जो सरकार रही है उन 4 साल की उपलब्धियों को जनता के बीच में बताना और उसके साथ साथ जनता की समस्याओं को सुनना और हमारे त्रिदेव हो, ग्राम केंद्र अध्यक्ष हो, उनके घरों में पटिका नाम पटिका लगाना और घरों में झंडे लगाना, ये हमारे इस पदयात्रा का मुख्य उद्देश्य है। और मुझे आज इस बात की खुशी है कि पूरे पदयात्रा में भारी तादाद में जनता आ रही है और इससे कहीं ना कहीं इस बात को साबित करता है कि पिछले 4 साल जयराम की सरकार ने किन्नौर का विकास किया है और कोई एंटी इनकम्बेंसी मुझे इस क्षेत्र में दिखता नहीं है। सभी लोग जो है पार्टी के उपलब्धियों से खुश हैं। उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिले के सम्माननीय अध्यक्ष आदरणीय संजीव भारा जी, BDC के सम्माननीय चेयरपर्सन आदरणीय राजवंती जी, पार्टी के मंडल के सम्माननीय अध्यक्ष।